Assalamu alaikum student, I hope all of you are fine. I'm your math teacher. Today we will discuss the next chapter, that is 10. So let's open page number 146, chapter number 10, basic concepts of geometry. Today we will discuss some shapes. So let's start. Shapes and line. The first topic is shapes and line. Here are some numbers and shapes that exist in nature. Can you identify them? Nature, यानी हमारे इर्द गिर्द जो कुदरती चीज़ों में कुछ ऐसे नंबर और ऐसी शेप्स पाई जाती हैं, क्या हम उन्हें पहचान सकते हैं? The most common shapes we see in our surrounding are often present in nature. हमारे इर्द गिर्द ऐसी कई अशकाल हैं जो हमारी नेचर में कुदरत में भी पाई जाती हैं, but not immediately identifiable, जिन्हें हम एग्जैक्ट जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. वो कौन सी शेप्स हैं? और आज हम फर्स्ट फाइव जो शेप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट शेप इज स्फीयर. सो मूव टू द नेक्स्ट पेज 147. ऑन पेज नंबर 147 द फर्स्ट शेप इज स्फीयर. अ स्फीयर इज नेचर्स फेवरेट शेप. द सन, प्लैनेट्स एंड सॉप बबल्स आर ऑल स्फेरिकल. नेचर से रिलेटेड जो ऐसी शेप्स हैं जो के होती हैं, जैसे सूरज हो गया, प्लैनेट्स हैं, सोप के जो साबुन के बबल्स बन के उठते हैं, वो जो तमाम हैं वो स्फेरिकल शेप में आते हैं, स्फीयर. अब ये स्फीयर होती क्या है? सो लेट्स स्फीयर शेप. अ स्फीयर इज अ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इन थ्री डायमेंशन स्पेस दैट इज सरफेस ऑफ अ बॉल. A sphere is defined mathematically as the set of points that all at the same distance from a given point in the three-dimensional space. Mathematically, हम कैसे sphere को define करते हैं कि ये ऐसे set of points हैं जिनका distance जो है given point से same, सबका जो distance होता है वो same होता है. वो ये three-dimensional space shape है, जैसे कि ये figure में दिखाई गई है. नेक्स्ट जो हमारे शेप है दैट इज सर्कल. अब ये सर्कल क्या होता है? अ सर्कल इज अ राउंड शेप फिगर. सर्कल एक गोल दायरे की शक्ल में एक ऐसी शक्ल होती है दैट हैज नो कॉर्नर एंड एज, जिसका कोई कोना और एज नहीं होता. इन ज्योमेट्री अ सर्कल कैन बी डिफाइंड एज अ क्लोज टू डायमेंशनल कर्व शेप. ज्योमेट्री में सर्कल को कैसे डिफाइन किया जाता है कि सर्कल एक बंद दायरा होता है जिसके टू डायमेंशनल कर्व शेप होती है. अब देखिए जो सर्कल का ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो होता है ये सब चीज़ क्या उसकी कहलाती है? डायमीटर. अगर ये इसका सेंटर है सर्कल का और इससे अगर हम कोई भी पॉइंट यहाँ ले लें, यहाँ ले लें या यहाँ, तो वो उसका रेडियस कहलाएगा. और ये तमाम का जो अगर यहाँ से यहाँ तक का फासला 3 सेंटीमीटर है, इट मीन्स यहाँ से अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ ले लेती हूँ तो उसका जो फासला होगा वो भी 3 सेंटीमीटर ही होगा. नेक्स्ट हमारी शेप है ओवल. ओवल ओवल क्या होता है? इट इज़ अ शेप दैट मे लुक लाइक एन एग. एक अंडे की शक्ल की जो शेप होती है हम उसे ओवल कहते हैं. इसलिए देखिए अंडे की शक्ल, देखिए यहाँ से ये कैसे है, राउंड शेप है, क्योंकि यहाँ से इसका ऐसे थोड़ा सा नुकीलापन बना हुआ है. तो इस तरह की जो भी हमारे गेट शेप होती है उसको हम क्या कहते हैं? ओवल शेप. और ज्योमेट्री में भी ओवल शेप आपने पहले भी पढ़ी हुई है, जैसे कि हमारे बुक में दिखाया गया है ओवल. देखिए लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ सम फ्रूट सच एज कीवीज एंड सम वर्टेज इन पपायास आर ओवल. एंड ओवल इज नॉट अ प्रिसाइज टर्म. इट इज़ अ शेप दैट मे लुक लाइक एन एग और अ नेकलेस विद ब्रॉड एंड्स. ये भी एक इक्लिप्स टाइप शेप होती है और लेकिन ये इसके ब्रॉड एंड्स होते हैं. सर्कल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सर्वर फ्रूट सच एज कुकम्बर एंड बनाना द कंप्लीट रेनबो आर्क ऑफ द रेनबो दैट इज ऑफन सीन इन द आर्क ऑफ अ सर्कल एंड द मून अपीयर टू बी सर्कुलर. अगर हम किसी भी फ्रूट को काटें तो देखें ये जो इसकी हाफ शेप होती है, हाफ शेप अगर इसको देखें तो ये इसकी आर्क कहलाती है. अगर हम इसे पूरा देखें तो ये देखें एक सर्कल टाइप गोल है ना ये. तो अगर हम किसी भी फ्रूट को कट करें
पार्ट होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा सर्कल होता है। तो ये चीज़ तो हमारी नेचर में पाई जाती है, मैथ में तो सर्कल है, लेकिन ये जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं इनमें भी हमारी ऐसी शेप्स पाई जाती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम जिस शेप को डिस्कस करेंगे वो है एलिप्स। एन एलिप्स इज एन अ मोर मैथमेटिकल वर्जन ऑफ एन ओवल। ये भी ओवल टाइप की ही एक शेप होती है, लेकिन इसकी थोड़ी सी चेंज, थोड़ा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? द पाथ दैट द अर्थ टेक अराउंड द सन इज एलिप्टिकल। जो एक पूरे ज़मीन के गिर्द एक चक्कर लग रहा होता है वो बिल्कुल ऐसी ही शेप का होता है। ये भी हमारी चीज़ नेचर में देखी जाती है। जो ये शेप है, इस शेप का सर्कल होता है या जिस शेप में वो मूवमेंट कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं? एलिप्टिकल। जैसे कि ये देखिए, अब ओवल और इसमें क्या डिफरेंस था? ओवल देखिए, ओवल में था कि यहाँ से ये राउंड शेप में था, बस यहाँ से इसका थोड़ा सा एज बना हुआ, ठीक है। लेकिन इस शेप में ये है कि ये दोनों साइड से एज के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर मैं आपको पेपर पे ड्रॉ करके दिखाऊँ तो ये शेप ओवल किस टाइप की शेप थी? इस टाइप की शेप, जो कि एग की शेप होती है। ओवल और एलिप्टिकल, एलिप्स में क्या चेंज होता है? दोनों साइड से ये कॉर्नर एजेस बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक जो मूवमेंट देखते हैं अपने सन और अर्थ की, वो सेम इसी शेप में होती है। नेक्स्ट जो हमने शेप डिस्कस करनी है वो कौन सी है? दैट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स द सर्कल ऑल शेयर द सेम सेंटर बट हैव डिफरेंट रेडियस। अच्छा, ये रेडियस होता है, जैसे मैंने आपको सर्कल शेप में बताया था कि रेडियस क्या होता है। ये देखिए, ये इसके सेंटर का पॉइंट है और यहाँ से किसी भी पॉइंट के दरमियान का जो फासला होता है वो उसका क्या सर्कल का? रेडियस कहलाता है। अब रेडियाई कहते हैं, जब डिफरेंट हमारे पास रेडियस होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? रेडियाई, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल मीन्स द सर्कल ऑल शेयर्स द सेम सेंटर बट हैव डिफरेंट रेडियाई। दिस मीन द सर्कल्स है आर ऑल डिफरेंट साइज वन इनसाइड द अदर। अब आपको इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि जैसे हम कोई भी चीज़ पानी में फेंकते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है? डिफरेंट सर्कल्स जो हैं अपीयर होते हैं पानी के जो सरफेस पे तैरते हैं। तो हम इन चीज़ों को कहते हैं, इस शेप को कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, जिसमें एक सर्कल के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा और तीसरे के अंदर चौथा सर्कल मौजूद होता है। सब सर्कल होते हैं, ठीक है, और लेकिन इनका जो रेडियस होता है, सेंटर इनका सेम होता है, लेकिन इनका जो रेडियाई होता है या रेडियस होता है वो एक दूसरे से चेंज होता है, ठीक है। स्टोन, इसकी एग्जांपल भी गिवन है, स्टोन ड्रॉप इन स्टिल वाटर प्रोड्यूस कंसेंट्रिक सर्कल। जब एक बिल्कुल ठहरा हुआ पानी होता है तो हम उसमें अगर एक ड्रॉप या कोई स्टोन जो है कोई चीज़ भी फेंकें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारे सर्कल प्रोड्यूस होंगे। तो इन सर्कल्स को क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल। टुडे यू विल राइट दिस डेफिनेशन ऑन योर नोटबुक।